बीच से गायब हुई पत्नी, खोजने में 1 करोड़ खर्च। शादी की सालगिरह पर विशाखापट्टनम गया था कपल, वहां से प्रेमी के साथ गई महिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक अजीब और गरीब कहानी सामने आई है। एक कपल अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने सोमवार को विशाखापट्टनम के आरके बीच पर गया था। इस दौरान पत्नी गायब हो गई। पति को लगा कि वह समुद्र में डूब गई है। वह उसके शव की तलाश करता रहा। बाद में पता चला कि वह आंध्र के ही नेल्लोर में अपने प्रेमी के साथ है। बीच से उसके गायब होने के बाद पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बीच और पास के इलाकों में 2 दिन तक महिला के शव की तलाश की। इसके लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। साथ ही मरीन पुलिस, गोताखोरों, मछुआरों ने भी खोजबीन की। सर्च ऑपरेशन में प्रशासन के करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। 21 साल की साई प्रिया विशाखापट्टनम की रहने वाली है। उसने 2 साल पहले श्रीकाकुलम निवासी श्रीनिवास राव से शादी की थी। पति पत्नी अपनी शादी की दूसरी सालगिरह बनाने के लिए सोमवार को पहले सिंहचलम मंदिर गए और फिर समुद्र तट पर घूमने चले गए। सोमवार की रात कपल बीच पर सैर कर रहा था। इस दौरान पति को एक फोन आया और वह अपनी पति को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि उसकी पत्नी अपने फोन पर सेल्फी खींच रही थी। कुछ मिनटों बाद वह वापस आया तो पत्नी नहीं मिली। उसे लगा कि पत्नी समुद्र में बह गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।